एक छत के नीचे होते हैं और सबका एक दूसरे से तल्लुकात बढ़ते हैं और सबके काम चलते हैं। मेरा नाम अख्तर अमीन है और हम यहाँ एग्जीबिशन के लिए आए हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। तो ये है कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता वहाँ तक लोग हम यहाँ आते हैं और एक छत के नीचे होते हैं और सबका एक दूसरे से तल्लुकात बढ़ते हैं और सबके काम चलते हैं। तो बाकी ये लाजम साल में 2 से 3 दफ़ा होना चाहिए और माशाल्लाह इसी तरह रियल स्टोन्स में ज्वेलरी तैयार होती है और सबका बिजनेस चलता है और मुल्क की मईशत बढ़ती है। ये लॉकेट सेट बने हुए हैं, कोई टर्कवाइज में फिरोज़ा है और लैपिस लाजूली, ओपल में एक्वा मरीन, एमिथिस्ट, पेरीडॉट, एमरल्ड, टोपाज, सफायर है। इसी तरह कट स्टोन होते हैं, उसको फिर हम इसमें ज्वेलरी में लेके आते हैं, ज्वेलरी फिर इसकी वो आगे चलती है, पूरी दुनिया में जाती है, कोई ना कोई शौक़ से अपने घर के लिए लेते हैं। इसी तरह रिंग, जेंट्स रिंग में चलता है, लेडीज़ रिंग में, इसी तरह हर चीज़ नेकलेस सेट बन जाता है और ईयर रिंग्स वगैरह। और जो क्योंकि हम उनसे भीड़ तो नहीं कर सकते इंटरनेशनल दुनिया से, लेकिन फॉलो तो करके कुछ ना कुछ चल सकते हैं। ये सफ़ायर हैं और ये मंडी में हर चीज़ आ जाती है, पाकिस्तान से भी निकलता है। ये श्रीलंकन सफ़ायर है, इसमें क्वालिटीज़ हैं, कोई वीक क्वालिटी है, कोई अच्छी क्वालिटी है। इसी तरह ये हमारा कार्डंग का टुपैज़ है और इसकी बड़ी डिमांड है बाहर और बहुत अच्छा, ये इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। और ये पेरीडॉट है हमारे कोहिस्तान से निकल रहा है और ये स्लाइस है टूरमलिन में, एक्वा मरीन है शिगर का। इसी तरह बटाकुंडी से रूबी है हमारा, ये रूबी बटाकुंडी से आ रहा है। सवाद से एमरल्ड निकल रहा है, ये पंचेर से, सवाद से, इस तरह मुख्तलिफ। ये पेरीडॉट है, रूटाइल पेरीडॉट, जो कि कोहिस्तान से आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ जिस जिस ओरिजिन के होते हैं वो फिर पूरी मार्केट में आते हैं, मंडी में आके तो फिर वो आगे सेल होते हैं और चलते हैं। और इसी से मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ता है। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि जो बाहर से रॉ मटीरियल है, रॉ मटीरियल के ऊपर ड्यूटी हटा दी जाए, क्योंकि वो अफ्रीका से आता है और वो बहुत रीज़नेबल पे, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी, इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, बिल्ड होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रॉ मटेरियल वहाँ से आने दे और यहाँ से कट होके जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़े। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कोई बेचारा भूखा नहीं रहेगा, हर बंदा जो है बिजनेस में लग जाएगा, कारोबार में लगेगा और इसी तरह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा।